हाय दोस्तों, आज हम बनाएंगे कॉर्न सॉल्ट एंड पेपर। कॉर्न सॉल्ट एंड पेपर एक स्टार्टर है और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये अगर आपके पास जो कॉर्न्स है वो ऑलरेडी बॉइल्ड हो तो। तो मेरे पास थे दो भुट्टे, जिसको बिल्कुल ताज़ा कॉर्न। उसके बाद मैंने किया पानी गरम। पानी गरम करने के बाद छिले हुए मक्के के दाने मैंने सबको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद आपको चाहिए सॉल्ट, पेपर, रेड चिली पाउडर, ऑनियन, टमाटो, कैप्सिकम, कॉर्नफ्लोर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और लेमन और चाट मसाला। सबसे पहले आप बॉइल्ड कॉर्न को कॉर्नफ्लोर के अंदर डाल लेंगे और बढ़िया से उसको एक कोटिंग दे देंगे। सारे कॉर्न्स के ऊपर कॉर्नफ्लोर चिपक जाए। बहुत अच्छे से आपको उसको मिक्स करना है। मिक्स हो जाने के बाद सबसे पहले आप करेंगे गैस गरम। गैस के ऊपर डालेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे तेल और तेल को रखेंगे हम नॉर्मल हीट पे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, नहीं तो ये कॉर्न हम डालते ही ये तेल आपके ऊपर आने लगेगा। अब ये डालने के बाद इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के साथ वो फ्राई होता रहेगा और हम यहाँ पे अपने काट लेंगे लेमन, अनियन और कैप्सिकम को। आप प्रेफर कीजिए कि सब कुछ अनियन वगैरह आप स्लाइसेस में ही काटिए, अनियन और कैप्सिकम को। अब हम उसकी तरफ कॉर्न की तरफ वापस आएंगे। उसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे बीच बीच में ताकि ये चिपक ना जाए। चिपकेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको चलाते रहें ताकि ये सब बराबर से पक जाए। और ये अब हो चुका है 100%। आपने 70% बॉईल करते टाइम तक पकाया था और बाकी 30% आप 20% लगभग 20-30% आप फ्राई करते टाइम पका लेंगे। और हमने अब साथ में अनियन वगैरह सब कुछ काट लिया है, कैप्सिकम काट लिया है, लेमन काट लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने बना लिया है, घर का बनाया है हमने। अब लेंगे हम फ्राई पैन। फ्राई पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल, बिल्कुल थोड़ा सा तेल, और फिर डालेंगे उसके ऊपर सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा पक जाए, थोड़ा सा पक जाए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पक जाए, मतलब लगभग पक जाए। उसके बाद हम डालेंगे इसके बाद इसमें अपनी बाकी बची हुई दोनों सब्जियां, जैसे कि अनियन और कैप्सिकम। इसमें स्प्रिंग ऑनियन भी डाल सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ना डालें, बहुत ही लिमिटेड इसमें जाता है। तो मेरे हिसाब से मैंने डाला है। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो आपको नहीं डालना है। अब हम डालेंगे इसके ऊपर अपने फ्राई किए हुए कॉर्न। अब डल गए कॉर्न। अब हम डालेंगे इसमें सॉल्ट, चिली पाउडर और हमारा बचा हुआ मसाला जो कि पेपर। बस ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 6 लोगों के लिए बनाया था तो एक एक चम्मच मैंने लगभग डाला है, एक एक चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग। चाहिए तो बस लगातार चलाते रहिए इसको। और अनियन और जो कैप्सिकम है हम उसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं। चाहिए तो आप इसी टाइम लाइम जूस डाल सकते हैं, अब ये हो गया हमारा तैयार। अब हम इसको कर देंगे प्लेट में ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसमें डाल देंगे हमारा चाट मसाला और हमारा नींबू अपने टेस्ट के अनुसार। और ये बनने के बाद देखिएगा कुछ लगभग ऐसा। और खाने का तो मैं बता नहीं सकता, खाने में तो ऑफकोर्स ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जब बन गया है तो इसको खाते गरम गरम है और हम जा रहे हैं इसको खाने। आप भी बना सकते हैं, आप भी जाइए बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।